बीते दिनों तो दिल्ली एनसीआर समेत यूपी राजस्थान एमपी को ठंड से थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर आज मौसम ने करवट ली है और फिर से शीतलहर लगी है। ऊपर से कोहरे का सितम वो अलग। बता दें कि इस कड़ाके की सर्दी से जूझ रहे लोगों को आज सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि आज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई, जिसका असर अब यहां देखने को मिल सकता है। आज सुबह से शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार आज रात तक हल्की बारिश होने के आसार हैं। इसके बाद 23 और 24 जनवरी को बारिश व ओले की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। गलन वाली सर्दी से लोगों को बहुत हद तक राहत मिल सकती है। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनवरी में अभी तक 8 दिन शीतलहर का प्रकोप रहा है। ये 12 साल की सबसे ज्यादा शीतलहर वाली जनवरी बन चुकी है। इतना ही नहीं, इस जनवरी में 6 दिन तापमान 3 डिग्री या इससे भी कम रहा। 12 सालों में 3 दिन से ज्यादा ऐसा नहीं हुआ। तो वहीं गुरुवार को आंशिक तौर पर बादल देखने को मिलेंगे। रात के समय हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रह सकता है। यानी सुबह शाम की कड़ाके की सर्दी से अब राजधानी को थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई नजर आई है। गुरुवार के बाद बारिश की वापसी 23 जनवरी से होगी और ये बारिश थोड़ी लंबी चलेगी। 20 से 22 जनवरी के बीच अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री के आसपास रहेगा। तो वहीं दिल्ली के मौसम की बात करें तो दिल्ली में 23-24 जनवरी को हल्की बारिश होने के आसार हैं। 24 जनवरी को तेज आंधी के साथ ओले गिरने की आशंका है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहेंगी। अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री रहने की संभावना है। बता दें कि 15 सालों के दौरान यह जनवरी की सबसे लंबी शीतलहर है। बुधवार को इस जनवरी में 8वें दिन शीतलहर रही। 2021 की जनवरी में 6 दिन शीतलहर रही थी और 2008 में सबसे ज्यादा 12 दिन शीतलहर चली थी। तो वहीं हिमाचल में गुरुवार रात को शुक्रवार सुबह प्रदेश के 8 जिलों की हिमाचल प्रदेश में ताजा बारिश बर्फबारी से शीतलहर बढ़ गई है, जिसका असर यहां भी देखने को मिलेगा। प्रदेश में यहां 6 दिन और मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 26 जनवरी तक मौसम खराब बना रहने के आसार हैं। प्रदेश भर में 333 बिजली ट्रांसफर ठप हो गए हैं। कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट छा गया है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर जिले के कई भागों में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पर्यटकों को गाइडलाइन फॉलो करने को कहा है। बीते दिन से ही उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में वहां पर बर्फबारी हो रही है। हालात ये हैं कि सड़कें, घर, गाड़ियां सब पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और मौसम विभाग ने इसी को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।